हेलो दोस्तों, एससीपी क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। और आज हम लोग करंट अफेयर्स के बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे चर्चा करेंगे। आज हम लोग ऑस्कर अवार्ड 2020 के बारे में पढ़ेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को शुरुआत से लेकर के अंत तक देखिएगा, और यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबाना नहीं भूलिएगा, ताकि हमारा वीडियो सबसे पहले आपके पास तक पहुंच जाए। शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले तो आप लोगों को यह समझना है, जो ऑस्कर अवार्ड हम आपको बता रहे हैं दोस्तों, याद रखिएगा, फिल्म जगत का एक प्रतिष्ठित पुरस्कार है ये ऑस्कर अवार्ड। हम आपको बता रहे हैं कि फिल्म जगत का एक प्रतिष्ठित पुरस्कार है। इसकी शुरुआत 16 मई 1929 को, कितना बताएं, 16 मई 1929 को किया गया था। और इसका नाम याद रखिएगा, पहले एकेडमी अवार्ड था। क्या नाम था इसका? एकेडमी अवार्ड। पहले ऑस्कर अवार्ड को एकेडमी अवार्ड के नाम से जाना जाता था दोस्तों, याद रखिएगा। बाद में इसका नाम क्या पड़ा, तो ऑस्कर अवार्ड पड़ गया। ठीक, तो पहले आप लोगों को याद रखना है कि ऑस्कर अवार्ड जो है, पहले ये एकेडमी अवार्ड के नाम से जाना जाता था और बाद इसमें इसका नाम क्या रख दिया गया, तो ऑस्कर अवार्ड। बहुत इंपॉर्टेंट है, अमेरिका की एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर, समझना है। देखिए, अमेरिका की एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंस के द्वारा, अमेरिका की एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंस के द्वारा फिल्म व्यवसाय से जुड़े सर्वश्रेष्ठ निदेशक हो, कलाकार हो, लेखक को दिया जाने वाला यह प्रतिष्ठित सालाना पुरस्कार है। यह हर साल दिया जाता है। तो दोस्तों, ये तो आपको याद रहना चाहिए कि 16 मई 1929 को इसका शुरुआत हुआ। पहले यह एकेडमी अवार्ड के नाम से जाना जाता था, उसके बाद इसका नाम क्या रख दिया गया, तो ऑस्कर अवार्ड रख दिया गया। किसके द्वारा दिया जाता है, तो याद रखिएगा, अमेरिका की एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंस के द्वारा। कौन से क्षेत्र में, तो याद रखिएगा, आपका फिल्म व्यवसाय से जुड़े, हम आपको बताएं, निर्देशक हो, कलाकार हो, लेखक हो, ये सबको दिया जाता है, सालाना दिया जाता है। तो यहाँ पे आप लोगों को समझना है कि 92 याद रखिएगा, 2020 के बारे में हम आपको बता रहे हैं कि 92 अकादमी पुरस्कार का जब बात आता है, मतलब याद रखिएगा, 92 ऑस्कर पुरस्कार का जब बात आता है, तो इसकी घोषणा 9 फरवरी 2020 को किया गया। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि 2020 में, हम आपको बताएं कि ऑस्कर अवार्ड की घोषणा कब किया गया, तो दोस्तों याद रखिएगा, 9 फरवरी 2020 को किया गया, अमेरिका के लॉस एंजलिस में डॉल्बी थिएटर में, अमेरिका के लॉस एंजलिस में डॉल्बी थिएटर में 9 फरवरी को पुरस्कार की घोषणा किया गया। एक लाइन हम आपको पहले ही बता दें कि भारत में, याद रखिएगा, भारत की जोया अख्तर निर्देशित, जोया अख्तर निर्देशित आपका रणवीर सिंह और आलिया भट्ट अभिनीत गली बॉय का तो नाम आप लोग सुने होंगे। फिल्म का नाम क्या बताया, गली बॉय। याद रखिएगा, गली बॉय जो फिल्म हम आपको बताए ना दोस्तों, इसको ऑस्कर अवार्ड के लिए भारत की ओर से नामित किया गया था। क्वेश्चन पूछा जाएगा आप लोगों को कि कौन से फिल्म को भारत की ओर से नामित किया गया था, तो दोस्तों याद रखना, फिल्म का नाम क्या होता है, गली बॉय। लेकिन याद रखिएगा, शीर्ष 10 में यह अपना स्थान नहीं बना पाया, याद रखिएगा, शीर्ष 10 में स्थान बनाने में ये नाकाम रही। तो दोस्तों, हम आपको बताने जा रहे हैं सीरियली कि किसको किसको ये अवार्ड दिया गया है। तो सबसे पहले तो आप लोगों को समझना है कि बेस्ट फिल्म का ऑस्कर अवार्ड, ठीक। अब ये जो बेस्ट फिल्म का ऑस्कर अवार्ड हम आपको बता रहे हैं ना दोस्तों, ये आप लोगों को याद रखना है, एक फिल्म का नाम आता है पैरासाइट, तो याद रखिएगा, बेस्ट फिल्म का ऑस्कर अवार्ड किसको दिया गया, तो फिल्म, कौन सा फिल्म बताए, तो पैरासाइट। याद रखिएगा, एक लाइन इसमें और बहुत इंपॉर्टेंट जुड़ जाता है कि जो पैरासाइट फिल्म बता, पहली गैर अंग्रेजी फिल्म है, याद रखिएगा, पैरासाइट जो फिल्म बता रहे हैं ऑस्कर अवार्ड पाने वाली, ये पहली गैर अंग्रेजी फिल्म है। इसके अलावा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसको दिया गया, बहुत इंपॉर्टेंट है, बेस्ट एक्टर का अवार्ड यदि आपको पूछा जाएगा, तो याद रखिएगा, वाकिन फिनिक्स को दिया गया। किसको दिया गया, वाकिन फिनिक्स को दिया गया, बेस्ट एक्टर का अवार्ड हम आपको बताएं, वाकिन फिनिक्स को दिया गया। कौन से फिल्म के लिए, तो जोकर के लिए। फिल्म का नाम क्या बताएं, जोकर। उसी तरह क्वेश्चन ये भी पूछा जाएगा, बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड किसको दिया गया, तो बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड यदि पूछा जाएगा, तो दोस्तों याद रखिएगा, नाम उसका रैनी जुलवेगर, क्या नाम बताएं, रैनी जुलवेगर, रैनी जुलवेगर, याद रखिएगा, फिल्म जूडी गार्लैंड के लिए दिया गया। कौन सा फिल्म बताएं, तो जूडी गार्लैंड, फिल्म का नाम क्या बताएं, जूडी गार्लैंड। इसके अलावा बेस्ट डायरेक्टर यदि क्वेश्चन पूछा जाता है, तो एक नाम आता है, याद रखिएगा, वांग जुन हो। बेस्ट डायरेक्टर के बारे में पूछा जाता है, तो वांग जुन हो जो बता रहे ना, वांग जुन हो, याद रखिएगा, ये दक्षिण कोरियाई डायरेक्टर है,
तो ये कौन सी फिल्म के लिए दिया गया? तो दोस्तों याद रखिएगा, पैरासाइट के लिए ही दिया गया। सबसे ज्यादा अवार्ड पैरासाइट फिल्म के लिए ही दिया गया है। कौन सी फिल्म के लिए? तो पैरासाइट। इसके अलावा दोस्तों याद रखना, बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म का अवार्ड यदि पूछा जाएगा तो पैरासाइट को ही दिया गया। इसके अलावा बेस्ट ओरिजिनल स्कोर का अवार्ड यदि पूछेगा तो आपका फिल्म जोकर को दिया गया। ये आपको याद रखना, बेस्ट ओरिजिनल स्कोर का अवार्ड यदि पूछा जाएगा तो फिल्म जोकर। इसके अलावा बेस्ट सिनेमाटोग्राफी का ऑस्कर अवार्ड यदि पूछा जाए ना, सिनेमाटोग्राफी का ऑस्कर अवार्ड, तो याद रखिएगा फिल्म का नाम आता है 1917। फिल्म का नाम क्या बताया? 1917। तो यहाँ पे दोस्तों हम आपको बता रहे हैं। इसके अलावा जैसे आपका बेस्ट यदि आपको विजुअल इफेक्ट के लिए ऑस्कर अवार्ड यदि पूछा जाता, बेस्ट विजुअल इफेक्ट के लिए ऑस्कर अवार्ड यदि पूछा जाता है तो फिल्म 1917 को ही दिया गया है। कौन से फिल्म को दिया गया? तो 1917। इसके अलावा बेस्ट साउंड एडिटिंग के लिए यदि ऑस्कर अवार्ड आपको पूछा जाता है तो दोस्तों याद रखिएगा, फोर्ड वर्सेस फरारी, कौन सा फिल्म बताए? फोर्ड वर्सेस फरारी को दिया गया। इसके अलावा बेस्ट फिल्म एडिटिंग का भी अवार्ड फोर्ड वर्सेस फरारी को ही दिया गया। तो दोस्तों हम एक बार आपको रिपीट कर देते हैं शुरुआत से। ये हम आपको जो 10 लाइन बता रहे हैं इसी में से क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। तो हम आपको पहला बताएं दोस्तों कि बेस्ट फिल्म का ऑस्कर अवार्ड क्या बताएं, तो पैरासाइट याद रखिएगा, पहली गैर अंग्रेजी फिल्म। दूसरा हम आपको बताएं बेस्ट एक्टर, तो याद रखिएगा वाकिन फिनिक्स को दिया गया। कौन से फिल्म के लिए? तो जोकर के लिए। बेस्ट एक्ट्रेस यदि क्वेश्चन पूछा जाता है तो रेनी जुलवेगर, याद रखिएगा कौन से फिल्म के लिए? तो जूडी गार्लैंड के लिए। बेस्ट डायरेक्टर यदि पूछा जाएगा तो वांग जून हो, फिल्म पैरासाइट के लिए, ये दक्षिण कोरियाई डायरेक्टर है। बेस्ट ओरिजिनल स्कोर का अवार्ड पूछेगा तो फिल्म जोकर को दिया गया। इसके अलावा बेस्ट सिनेमाटोग्राफी का अवार्ड पूछेगा तो फिल्म 1917 को दिया गया। बेस्ट विजुअल इफेक्ट्स के लिए ऑस्कर अवार्ड यदि पूछा जाएगा तो फिल्म 1917 को दिया गया। बेस्ट साउंड एडिटिंग यदि पूछा जाता है तो फोर्ड वर्सेस फरारी, साथ याद रखिएगा बेस्ट फिल्म एडिटिंग यदि पूछा जाएगा तो फोर्ड वर्सेस फरारी ही हो जाएगा। तो दोस्तों यहां तक तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। दोस्तों ये आप लोगों को याद रखना पड़ेगा और ये 2020 का है। कब का? 2020 का। हम आपको पहले बता चुके हैं कि आपका 92-92 अकादमी पुरस्कार है, ऑस्कर पुरस्कार 2020। और याद रखिए इसकी घोषणा 9 फरवरी 2020 को अमेरिका के लॉस एंजलिस में डॉल्बी थिएटर में किया गया। साथ ही यदि आपको क्वेश्चन कभी पूछ देता है सहायक अभिनेता के बारे में, यदि सहायक अभिनेता यदि पूछेगा ना, तो सहायक अभिनेता एक तो याद रखिएगा ब्रैड पिट को नाम याद रखिएगा, ब्रैड पिट, ये जो ब्रैड पिट बता रहे हैं ना सहायक अभिनेता का पुरस्कार, इसको दिया गया ब्रैड पिट। दोस्तों ब्रैड पिट जो बता रहे हैं वंस अपॉन ए टाइम इन हॉलीवुड मूवी का नाम क्या बताए? वंस अपॉन ए टाइम इन हॉलीवुड के लिए इसको दिया गया। साथ ही यदि आपको सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री यदि पूछा जाता तो लारा डर्न, क्या नाम बताए? लारा डर्न। और ये जो लारा डर्न नाम आपको बता रहे हैं इसको मैरिज स्टोरी के लिए दिया गया। फिल्म का नाम क्या बताए? तो मैरिज स्टोरी। तो दोस्तों यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आज हम आप लोगों को सिर्फ ऑस्कर अवार्ड के बारे में बताएंगे, 2020 का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आगे आप लोगों को एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो दोस्तों यदि वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और याद रखिएगा इसके बाद हम आप लोगों को कोशिश करेंगे दोस्तों कि आपका करंट अफेयर से कुछ दिन से वीडियो हमारा बंद था, हम टाइम नहीं मिलने के कारण हम वीडियो नहीं डाल पा रहे थे। अब कोशिश करेंगे कि डेली आप लोगों को करंट से रिलेटेड कम से कम एक टॉपिक मिल ही जाएगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।